राज्य के क्रीडा एवं युवक सेवा संचालनालय तथा भारतीय शालेय खेल महासंघ अंतर्गत जिला क्रीडा परिषद एवं जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रविवार 24 से 67वीं राष्ट्रीय शालेय मुक्केबाजी स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के 44 राज्यों के मुक्केबाज शामिल हो रहे हैं। उच्च स्तरीय के अंपायर भी स्पर्धा के लिए अकुल आ रहे हैं। यह जानकारी जिला क्रीडा अधिकारी सतीश चंद्र भट्ट ने शनिवार को दोपहर जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय में बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी। भट्ट ने बताया कि बॉक्सिंग के द्रोणाचार्य माने गए जेएस संधू की अध्यक्षता में आयोजित स्पर्धा के उद्घाटन समारोह में राज्य के क्रीडा एवं युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोड़े स्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जिले के जन प्रतिनिधियों के अलावा प्रशासकीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। जिला क्रीडा अधिकारी सतीश चंद्र भट्ट ने आगे बताया कि यह स्पर्धा 14 के अलावा 17 और 19 वर्ष आयु से कम के लड़कों के लिए है। मुकाबले के बनाए गए 3 रिंग में सुबह से लेकर शाम तक मुकाबले लिए जाएंगे। स्पर्धा में लगभग 1500 स्कूली विद्यार्थियों खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनके रहने और भोजन की व्यवस्था स्कूल के सभागार एवं सरकारी विश्राम गृह में की गई है। स्पर्धा में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए पात्र ठहराए जाएंगे। 6 दिवसीय इस भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन तथा शिक्षणाधिकारी अधिकारी कार्यालय से बहुमूल्य सहयोग मिला है। भट्ट ने बताया कि उद्घाटन समारोह से पहले शहर में भव्य रैली निकाली जाएंगी। इसी के साथ मैदान पर हर राज्य की टीम के साथ उनके पारंपरिक वेशभूषा के साथ उनकी घरेलू सांस्कृतिक के दिखावे भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए जिले के सभी जन प्रतिनिधियों का सकारात्मक सहयोग हासिल है। पत्रकार परिषद में विधायक वसंत खंडेलवाल और स्पर्धा निरीक्षक हिमांशु शुक्ला मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो महाराष्ट्र के लगभग हर ग्रुप में हम लोग फर्स्ट या सेकंड थे। टीम चैंपियनशिप थी हमारी, तो फेडरेशन में भी हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसी साल खेलो इंडिया है, उसमें भी हमारे काफी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पूरे 13 वेट कैटेगरी में से 13 के 13 अकोला की पाई है। महाराष्ट्र की टीम से 13 बच्चे खेले। आयोजन करने का मेन उद्देश्य ये है कि एक तो स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट बनना चाहिए। हमने आयोजन किया, खासतौर से मीडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग रहा है। आप लोगों ने जो भी अच्छी बातें हैं वो पब्लिक तक पहुँचाई, लोगों को इस खेल को बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन बिसेंट न्यूज़ के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।